हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन अहमदाबाद गुजरात से हूँ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। क्या आपको भी सीढ़ी उतरने और चढ़ने में घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है? तो आइए इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी मरीज हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमको सीढ़ी चढ़ने और उतरने में घुटनों में काफ़ी दर्द होता है। कुछ मरीज ऐसा भी कहते हैं कि घुटनों में से कटकट की आवाज़ आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होने के दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि घुटनों में जो आगे की हड्डी होती है, जिसको हम ढकनी या फिर नी कैप या फिर पटेला कहते हैं, जो आप पीछे फोटो में देख सकते हो। ये जो पटेला की जो हड्डी होती है, जो आप अपने घुटने को अगर टच करो तो आगे के साइड पे आपको राउंड हड्डी फील होगी, जिसको नी कैप या फिर पटेला बोन कहा जाता है। ये पटेला की अंदर की तरफ की जो सरफेस या फिर सतह होती है, वो नॉर्मल केस में काफ़ी स्मूथ होती है। लेकिन कुछ लोगों में अगर ये हड्डी रफ हो जाती है, जिसको हम कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर कहते हैं, उसके कारण जब हम घुटने की मूवमेंट करते हैं तो वो पटेला की हड्डी सामने वाली हड्डी के साथ फ्रिक्शन होती है, उसमें घिसारा होता है। वो घिसारे के कारण सीढ़ी चढ़ने और उतरने के समय, ज़मीन में बैठ के खड़े होने के समय, स्क्वाट्स वाली पोजीशन, ऊपर नीचे उठने बैठने की पोजीशन में घुटनों में काफ़ी दर्द होता है और कटकट की आवाज़ भी आती है। ये कंडीशन को कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली कहा जाता है, जो आप पीछे फोटो में देख सकते हो। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें घुटने की जब हम पूरी मूवमेंट करते हैं तो पटेला की अंडर सरफेस सामने वाली हड्डी के साथ फ्रिक्शन होता है। तो ये था पहला प्रमुख कारण। दूसरा कारण है क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वीकनेस। क्वाड्रिसेप्स मसल्स को थाई बोन भी कहा जाता है या फिर एंटी ग्रेविटी मसल भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। जो पटेला बोन होता है, जिसके बारे में हमने बात की, उसके ऊपर का जो बोन है, इसको फीमर कहा जाता है, और वो फीमर के आगे की सरफेस को क्वाड्रिसेप्स मसल कवर करता है। क्वाड्रिसेप्स मसल को हमारे घुटने की मूवमेंट को कंट्रोल करने का एक मुख्य मसल है। अगर क्वाड्रिसेप्स मसल्स वीक है तो उसका पूरा लोड घुटने की हड्डियों और जोड़ों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और घुटने की हड्डियाँ और जोड़ वो लोड सहन नहीं कर पाते, और उसके कारण घुटनों में दर्द होता है। स्पेशली अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या फिर उतर रहे हो, तो उसके समय ये मसल वीकनेस के कारण अंदर काफ़ी दर्द होता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो अगर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली या फिर क्वाड्रिसेप्स वीकनेस है, तो ऐसे केस में आपको एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरापी, डॉक्टर की हेल्प लेके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रॉन्ग होने पर जोड़ों के ऊपर लोड कम आता है और जो ढकनी होती है उसका फ्रिक्शन भी काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आपको भी सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होता है, तो आपको नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके बारे में पूछना चाहिए और उसकी क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए वो आपको सीख लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें लिख के भेज सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।